Hello guys my name is Mohit I'm a final MBBS student and I welcome you all to Essentials of Medical Science सो so गायज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैरो वर्सेज प्रेपलेटर मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए तो एंड की एंड की बात है उससे पहले दोनों प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है तो एक एक पॉइंट लेके चलेंगे और एंड में समरी में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा आ, कौन से ईयर में कौन सा ज़्यादा सही रहेगा तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे इसी वीडियो में सबसे पहले पॉइंट के साथ हम स्टार्ट शुरुआत करते तो प्रैपलेटर के क्वेश्चन बैंक में उन्होंने कई अपडेट किए हैं जैसे कि हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन के बाद राइट uh, आंसर right का भी एक्सप्लेनेशन है का भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसके अलावा आपको एक uh, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी समरी भी प्रोवाइड की हुई है ट्रेजर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं और एक वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड uh, मतलब कौन सी वीडियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उस वीडियो पे भी जा सकते हो अब कंपैरिजन के लिए मैं आपको मैरो का क्वेश्चन बैंक दिखा रहा हूँ इसमें जैसे ही आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो ना तो सॉल्यूशन तो इसमें भी प्रोवाइडेड है लेकिन जैसे प्रैप लैडर में राइट right और रॉन्ग आंसर्स दोनों का एक्जैक्ट सोल्यूशन बता रखा था कि कौन सा आंसर राइट right क्यों है कौन सा रॉन्ग क्यों है वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग मिलेगी दूसरी चीज जो मेरे को मिसिंग लगती है कि यहाँ पे आपको कोई भी मान लो मान लो क्वेश्चन है किस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक है वहाँ पर जाने के लिए आपको वीडियो अलग से खोलनी पड़ेगी नोट्स अलग से खोलने पड़ेंगे जबकि प्रैप लैडर में जो क्वेश्चन थे वो वीडियो टैग थे आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके वीडियो पर जा सकते थे तो ये जो ऑप्शन है ये मैरो में मिसिंग है लेकिन प्रैप लेटर का जो नया एडिशन आया है क्वेश्चन बैंक नेक्स्ट एडिशन उसमें ये उसमें ये प्रोवाइडेड है तो क्वेश्चन बैंक की बात करें तो पहला हमने पॉइंट क्वेश्चन बैंक की बात की इसमें अपर एंड मैं बोलूंगा वो प्रैप लेटर के क्वेश्चन बैंक का है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे टीचर्स तो टीचर्स के मामले में दोनों ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ट टीचर्स हैं जो अपने अपने कोर्सेज में वो टीचर्स बेस्ट हैं जैसे कि प्रैप लेटर में आपको मिल जाएंगे डॉक्टर राजेश कौशल डॉक्टर दीपक मारवा सर डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम उसी तरह आप अगर बात करें मैरो की तो मैरो में भी आपको डॉक्टर अब्बास अली सर मिल जाएंगे डॉक्टर रोहन खनलवाल सर मिल जाएंगे डॉक्टर साक्षी रोड़ा मैम मिल जाएंगे तो टीचर्स में मैं दोनों को इक्वली लेकर चलूंगा क्योंकि टीचर्स आर बेस्ट इन देर कोर्सेस थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है कोर्स कंप्लीशन का ड्यूरेशन तो इसमें बात करें प्रेप लेडर की तो प्रेप लेडर का कंटेंट मेरे को थोड़ा क्रिस्प एंड कंसाइज लगता है क्योंकि उन्होंने कम टाइम में ज़्यादा इंफॉमेशन प्रोवाइड कर रखी है और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के लिए नीडेड है वो सब उसमें प्रोवाइड कर रखी है मैरो की बात करें तो मैरो का कंटेंट थोड़ा वास्ट है मैं कहूंगा कि उन्होंने जितना दे रखा है उतना एग्जाम में नीड भी नहीं होती और हो सकता है कि आप उतना पढ़ने के चक्कर में आपका कंप्लीट भी ना हो सिलेबस तो इस वाले पॉइंट के ऊपर मैं कहूंगा कि प्रेपलेटर ज्यादा अच्छा है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है रिवीजन टाइम तो रिवीजन टाइम की बात करू तो प्रेपलेटर का मैंने आपको पहले बताया कंटेंट क्रिस्पिन तो उसके अलावा प्रैपलेटर जो है तीन चार महीने पहले एग्जाम से पहले रैपिड रिविजन कोर्स भी रिलीज़ करता है जिसमें आपको रिविज़न करने में बहुत ईजिली आप रिवाइज कर सकते हो हर एक चीज़ हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं उसके अंदर तो जल्दी रिविजन हो जाता है जबकि मैरो में थोड़ा सा इस चीज़ में भी मैं बोलूँगा कि रिविजन में भी आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो रिविज़न टाइम के बेसिस पर भी मैं प्रेप को ही सुपीरियर मानूंगा यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट है नोट्स तो नोट्स की बात करें तो दोनों ही प्लेटफॉर्म के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं वही बात है जैसे मैंने आपको मैरो में बताया था मैरो का वीडियो ड्यूरेशन ज़्यादा है तो ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो नोट्स भी आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे ज़्यादा मोटे नोट्स मिलेंगे प्रेप में जो नोट्स हैं वो आपको पतले एंड थोड़े कंसाइज मिलेंगे जितना जितना चाहिए एग्जाम के लिए उस हिसाब से नोट्स बनाए गए हैं तो नोट्स के मामले में दोनों ही प्लेटफॉर्म अच्छे हैं नेक्स्ट सिक्स पॉइंट की सिक्स पॉइंट की बात करें तो वो है टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज भी दोनों ही प्लेटफॉर्म की काफ़ी अच्छी आप खुद से अपने कस्टम नोड्यूल्स चूज कर सकते हो टेस्ट दे सकते हो तो टेस्ट सीरीज इज इक्वली गुड इन बोथ द प्लेटफॉर्म्स सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो सेवन्थ पॉइंट है कोस्ट तो सबसे आखिरी में इंपॉर्टेंट तो यह आ जाता है कि कौन सा आपको सस्ता पड़ेगा पैसा कहाँ ज़्यादा लगता है तो वन ईयर कोर्स की बात करें तो प्रैप्लेटर और मैरो का वन ईयर का कोर्स लगभग इक्वली पड़ता है लेकिन टू ईयर वाले कोर्स में प्रेप्लेटर ज़्यादा इकोनॉमिकल है टू ईयर्स में प्रेप लगभग थर्टी एट थाउजेंड के अप्रोक्स आपको पड़ता है टू ईयर प्लान अभी रिसेंट जो चल रहा है वहीं मैरो की बात करें तो मैरो आपको लगभग फोर्टी फोर इसके अराउंड पड़ेगा तो प्रेप्लेटर ज़्यादा इकोनॉमिकल है टू ईयर कोर्स की मैं बात करूँ तो तो ऐट द एंड कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन आप खुद भी बना सकते हो मेरे जो पॉइंट्स बताए हैं उसके बेसिस पे और मेरे अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो और आपके पास अच्छा खासा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप मैरो ले सकते हो और प्रैप भी ले सकते हो इट इज़ योर चॉइस लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो फाइनल ईयर में हो या फिर इंटर्नशिप में हो या फिर पोस्ट इंटर्नशिप वाले पीरियड में तो टाइम की कमी रहती है उस टाइम पर तो उस टाइम पर आपको प्रैप लेटर ज़्यादा मतलब बेटर रहेगा आपके लिए क्योंकि उसमें थोड़ा क्रिस्प एंड कंसाइज है जैसे मैंने आपको बताया सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रेपरेटर मैरो दोनों ही काफ़ी अच्छी ऐप है पे दोनों का कंटेंट काफ़ी अच्छा है एट द एंड जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका हार्ड वर्क और आपका प्रजर्वेंस जो आपको अच्छी रंग लाने में मदद करेगा और एग्ज़ाम में पास होने में मदद करेगा सो वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट